ये है बच्चों का लाइब्रेरी टाइम, जिसमें बच्चे अपने पसंद की किताबें पढ़ते हैं और खूब मजे करते हैं। तो आइए देखें कि आज बच्चों ने अपनी पसंद की कौन कौन सी किताबें उठाई हैं। ओह, बर्फीली बूंद, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग किताब लग रही है। और ये क्या किताब पढ़ रहे हैं आप? कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? धम्मक धम, बताइए कौन सी किताब? धम्मक धम बच्चों के गीत। क्या, फिर से बताइए, सारे बच्चे धम्मक सुने? धम्मक धम बच्चों के गीत। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग किताब लग रही है। चलो हम लोग देखते हैं कि आराध्या कौन सी किताब पढ़ रही है। आराध्या कौन सी किताब पढ़ रही हो? पानी। कौन सी किताब? पानी। हाँ, बहुत अच्छा, बाहर भी पानी बरस रहा है और आराध्या जो किताब पढ़ रही है वो भी पानी वाली किताब पढ़ रही है। काजल, तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो? मैं गधा। अच्छा, तो गधा भी गाना गा रहा है, बहुत अच्छी बात। आप लोग भी गाते हैं ना? तो आप लोग के साथ साथ लगता है गधा भी गाना सीख गया है। और देखें भाई, सोनी कौन सी किताब पढ़ रही है? कौन सी किताब पढ़ रही हो? ओ हो, चूहा लगता है कहीं घूमने चला गया था, अब वो लौट के घर को आ गया है। मजा आ रहा है ना किताब पढ़ने में? तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो? देखो भाई, ये कौन सी किताब पढ़ रही है? बाल कुमारी। ये पढ़ रही है बाल कुमारी। और ये पढ़ रही है एक सुंदर सी किताब जिसका नाम है तिली तितली। ये किताब भी हमें बहुत अच्छी लग रही है, इसमें तितली की कहानी है। और चलिए देखते हैं, आज तो सारे बच्चों ने अपने मन की किताबें उठाई हैं और सारे बच्चे बहुत सुंदर सुंदर किताबें लेके खूब मजे लेके पढ़ रहे हैं। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? कितनी प्यारी है यह दुनिया, पढ़िए क्या लिखा है इसमें। कितनी प्यारी है यह दुनिया, फिर से बोलिए। कितनी प्यारी है यह दुनिया। वेरी गुड, इसका मतलब कि सारे बच्चों ने, इन्होंने भी वही किताब उठाई है, कितनी प्यारी है यह दुनिया। और एक ये है, इन्होंने किताब उठाई है कौवे की कहानी। ओहो, ये तो उसी प्यासे कौवे की कहानी है जो पानी की खोज में क्या कर रहा था? इधर उधर भटक रहा था। इधर उधर भटक रहा था ना, तो सबने वो कहानी सुनी है। आइए हम देखें हरिशंकर कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। धम्मक धम बच्चों के गीत। हरिशंकर, आपने आज इस किताब में कौन सी कविता पढ़ी है? चलिए पढ़ के सारे बच्चों को सुनाइए। आओ करें दांत में मंजन, जैसे चले रेल का इंजन, झुक झुक आगे झुक झुक पीछे, झुक झुक ऊपर झुक झुक नीचे, मंजन करके कर लो कुल्ला, आहा हा हूं हल्ला गुल्ला। अच्छा, तो ये देखिए, इन्होंने जो कविता पढ़ी उसका नाम क्या था? मंजन। इसका मतलब सारे बच्चे रोज ब्रश करते ना स्कूल आने से पहले। हाँ ठीक, बैठ जाइए, बहुत अच्छी कविता थी। और आप लोग खूब मजे लेके किताब पढ़िए, जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको नई नई चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको और अच्छा लगेगा। इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है कि नहीं? Yes, सारे बच्चे मानते हैं ना? Yes, ma'am. कि पढ़ना लिखना जरूरी है। Yes, ma'am. तो स्कूल में आके आप लोगों का एक बहुत ही मनपसंद पीरियड कौन सा होता है? जब आप लाइब्रेरी से बुक्स लेके पढ़ते हैं। तो सारे बच्चे बुक्स लेते हैं ना? सबको मजा आ रहा है? वेरी गुड, चलिए सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ पढ़िए, ठीक है?